सो गाइस कि आपका भी जो VPN है वो अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि जैसे ही आप गेम को प्ले करते हो भैया, गेम के बीच में से ही आपका जो VPN है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। और ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे को बड़े भाई तकरीबन कल से बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है ये लोगों को आ रहा है। तो कल से जो लोग हैं मेरे को बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर कमेंट कर रहे हैं कि भाई मेरा VPN बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, यानी कि अचानक से वो VPN डिस्कनेक्ट हो जा रहा है गेम में जाने के बाद। ऑटो VPN डिस्कनेक्ट प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें? तो आज के इस वीडियो को गाइस आप लोग प्रॉपर देखिएगा, आज के इस वीडियो को देखने के बाद ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और एक चीज मैं अभी भी कह देता हूं, देखो गाइस जिनको ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखना है वही देखना प्लीज मेरे भाई। मैं आप लोगों के आगे क्या करूं यार, मैं वीडियो भी बनाता हूं, रिक्वेस्ट भी करता हूं देखने के लिए भाई, मतलब इतना करना पड़ता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को समझाना ही मेरा काम है और आप लोग हो कि यार समझते ही नहीं हो। तो प्लीज मेरे भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई कि प्लीज अगर देख रहे हो तो पूरा देखना, क्योंकि गाइस इस वीडियो में ना मैं आपको लास्ट तक बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स दूंगा जिसके मदद से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके आपको हर चीज बता देते हैं कि किस तरीके से आखिर ये जो VPN का डिस्कनेक्ट प्रॉब्लम है ये सॉल्व करना है। तो देखो भैया ये प्रॉब्लम किसी भी फोन में देखने को मिल जाता है, यानी कि बहुत सारे लोग, ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि मेरा रियलमी है, कोई ये है, कोई वो है, मतलब अलग अलग प्रकार की कंपनी का फोन है, बट भैया कोई फोन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका VPN डिस्कनेक्ट हो रहा है, प्रॉब्लम ये है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमें, ये नहीं देखना है कि मेरा ये फोन है तो इसमें डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसमें डिस्कनेक्ट हो रहा है, नहीं भैया इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। अगर हम किसी में सॉल्व कर दिए तो वो Realme हो, Redmi हो, कुछ भी हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आखिर आप लोग जो लोग बार बार ये कमेंट कर रहे कि भाई मेरा Samsung है, Realme है, ऐसा मत करो गाइस, ठीक है। तो चलो गाइस अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले समझो ठीक है, आपको अपने क्या बोलते हैं मेरे भाई मोबाइल के सेटिंग खोल लेना है। मैं पुराना वाला ट्रिक नहीं बता रहा हूं, थोड़ा सा वीडियो देख लेना। आपको अपने मोबाइल को सेटिंग खोल लेना है और यहां पे चले जाना है एप्स इंफॉर्मेशन में, ठीक है। एप्स इंफॉर्मेशन कई लोगों में एप्स भी होता है, तो आप चले जाना और जाने के बाद आपको जो है अपना VPN को ओपन कर लेना है, यानी कि यहां पर आपको अपना VPN मिल जाएगा। और मिलने के बाद अब क्या करना है, यहां पर देख सकते हो लिखा है ऑन इंस्टॉल और फोर स्टॉप, यानी कि मेरे भाई जो भी लिखा है फोर्थ स्टॉप या फोर स्टॉप, तो आपको क्या करना है उसके ऊपर क्लिक कर देना और फोर स्टॉप कर देना है, ठीक है मेरे भाई। अब करने के बाद सिंपली क्या करना है आपको, अब इसके बाद अभी थोड़ा सा अगर ऊपर देखोगे तो यहां पे लिखा है एप्स इंफॉर्मेशन, ये ऑन था, यानी कि एप्स जो इंफॉर्मेशन है ये ऑन था। आपको क्या करना है ना, इसे ऑफ कर देना है, ठीक है मेरे भाई। करने के बाद इतना चीज अगर आप कर लेते हो उसके बाद भी अभी क्या करना है, इसके बाद आपको जो है आप अपना VPN को कनेक्ट कर लेना है सिंगापुर के सर्वर से, यानी कि आप जो VPN यूज करते हैं ना उनको सिंगापुर के सर्वर से कनेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए ये सब करने के बाद करना है आपको। तो सिंपली मैं जो हूँ अपना VPN को कनेक्ट कर लेता हूँ सिंगापुर के सर्वर से और मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो मेरे भाई अभी देख सकते हो जो मेरा VPN है वो कनेक्ट हो रहा है और फ्री VPN में यहाँ पर जो है आपको ऐड वगैरह देखने को मिल जाता है। तो यार उसके लिए माफी चाहूंगा भाई, देखो ऐड वगैरह तो देखना ही पड़ेगा, क्या कर सकता हूँ गाइस, मेरा भी दोस्त नहीं है, तो भैया एडजस्ट कर लेना। अब भैया यहाँ पर जो मेरा VPN है वो फाइनली गाइस देख सकते हो कनेक्ट अभी स्थिति में है, यानी कि बहुत जल्द कनेक्ट हो जाएगा और फाइनली हो भी गया। अब आपको फिर से उसी चीज में जाना है, यानी कि एप्स इंफॉर्मेशन में, और जाने के बाद अब यहाँ पे आपको स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। स्टोरेज में जाना है आपको, सिंपली देखो मैं स्क्रीन पर क्या क्या कर रहा हूँ वही करना है। और इसके बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मैं बताता हूँ किस तरीके से करना है। अभी देख सकते हो गाइस अभी आपको स्टोरेज में जाना है और जाने के बाद वहां पर मिलेगा क्लियर कैचे, तो आपको क्या करना है क्लियर कैचे पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऊपर साइड में देखने को मिल जाएगा, यानी कि VPN को कनेक्ट करके ये वाला काम करना है, ठीक है। यानी कि VPN को पहले कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको क्लियर कैचे कर लेना। तो इसके बाद गाइस जैसे ही आप ये वाला काम कर देते हो आपका जो VPN डिस्कनेक्ट प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो जरा सुन लो भैया, वीडियो स्किप करके मत जाओ, यही तो गलती करते हो यार आप। और सबसे पहले देखो भाई, मतलब आप लोगों के लिए इतना, मतलब भाई मेहनत करके एक वीडियो हम लोग बनाते हैं और आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार और लाइक कर दो वीडियो को। और यार आप वो भी करने में सोचते हो कि क्या बंदा के चैनल सब्सक्राइब करे, लाइक करे? अरे मेरे भैया हम आपके लिए क्या चाहते हैं, यानी कि हम आपसे क्या मांगते हैं आपको वीडियो के लिए? कुछ नहीं मांगते, कोई फीस वगैरह नहीं मांगते, बस आपका प्यार मांगते हैं। तो भाई प्लीज यार सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है आपका, तो एक सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। और प्लीज भाई अभी भी अगर नहीं किया हो तो कर देना। फिलहाल
अब बताते हैं आपको और कि और कौन सा जो ट्रिक है वो हम अप्लाई करके ये वाला प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। तो सो अब गाइस यहाँ पे क्या है ना, अगर आपको फिर भी इस वाले ट्रिक से ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यानी कि सबसे पहले आपको अपने फोन को रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, देखो एक तो होता है गाइस रीसेट, एक होता है रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट में आपका कोई भी जो चीज़ है वो मतलब कह सकते हो कि हटता नहीं है, आपको पता होगा बहुत लोगों को, आपको सिंपली रीस्टार्ट कर लेना अपने फ़ोन को और करने के बाद फिर से पबजी लाइट को स्टार्ट करके खेलना है वीपीएन कनेक्ट करके। अगर यहाँ भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है इतना करने के बाद, तो आप भैया अपना जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं वीपीएन को, यानी कि आप दूसरा वीपीएन डाउनलोड कर लो गाइस। अगर वो भी डिसकनेक्ट हो रहा है तो फिर से आप दूसरा वीपीएन डाउनलोड कर लो और कोई गाइस 4-5 वीपीएन ट्राई करो। अगर उसके बाद भी ये प्रॉब्लम नहीं खत्म होता है, ऐसे तो खत्म हो जाएगा गाइस, क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं आता है ऐसे, एक दो दिन के लिए आता है मैं जानता हूँ गाइस, मेरे को भी देखने को मिल रहा था। तो अगर ये इतना करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो सिंपली अब आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। यानी कि इतना करने जो मैंने आपको 3 ट्रिक दे दिया यहाँ पे, अब इन तीनों ट्रिक को अप्लाई करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो सिंपल है, अब आपको क्या करना है, बस मेरे भाई कुछ नहीं करना, आपको अपने फोन को रीसेट कर देना है। ठीक है, मैंने बोला था रीस्टार्ट, सबसे पहले क्या बोला था, रीस्टार्ट करके एक बार देख लेना है। अगर वो भी नहीं होता है तो अब गाइस एक ही चांस है और वो है रीसेट। अगर आप अपने फोन को रीसेट कर लेते हो और उसके बाद वीपीएन डिस्कनेक्ट करके खेलते हो, मतलब मेरे भाई मैं वीपीएन डिस्कनेक्ट उसके बाद अपना वीपीएन कनेक्ट करके खेलते हो तो डिस्कनेक्ट जो प्रॉब्लम है वो आपका नहीं देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। और एक उपाय है, वो क्या है वो भी बता देता हूँ। आप बिना वीपीएन के पबजी मोबाइल लाइट को खेल सकते हो। और आप बोलोगे कैसे खेल सकते हैं, तो गाइस बिना वीपीएन के पबजी लाइट को खेलने के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, यानी कि बिना वीपीएन के आप पबजी लाइट को कैसे खेल सकते हो, इस पर मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप वो वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर क्लिक करके देख सकते हो। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे।